अगर आप भी रूखे बेजान डैमेज हेयर से परेशान हैं, अगर आपके बाल उलझे हुए रहते हैं, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो हम आपके लिए आज एक ऐसा रेमेडी लेकर के आए हैं, होममेड रेमेडी, जिसे यूज़ करने के बाद आपके हेयर बहुत ही शाइनी देगा, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएगा। तो आज मैं जो होममेड रेमेडी लेकर के आई हूँ, ये बहुत ही यूज़फुल है। घर के इंग्रेडिएंट से ये रेमेडी बनेगा, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो चलिए इस रेमेडी को बनाना कैसे है वो देखते हैं। तो इस हेयर पैक को बनाने के लिए आपको लेना होगा चावल। आप जो भी चावल खाने के लिए यूज़ करते हैं वो चावल ले लीजिए। और फिर नेक्स्ट लेंगे फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी के दाने। मेथी के दाने आप सभी को पता है हेयर के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदा करता है। मेथी जो है किसी वरदान से कम नहीं है, वो सदियों से चलते आ रहा है। मेथी और चावल जो है हेयर के लिए बहुत ही फ़ायदा है। तो फिर इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। एक पानी से आपको धो लेना है ताकि इसमें जितना भी डस्ट हो, गंदगियाँ हो, वो निकल जाए। और फिर जब ये अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं मैं इसे धो ली हूँ अच्छी तरह से, और फिर इसमें पानी डाल देंगे, ऐड कर देंगे, पूरा पानी डालेंगे और इसको मतलब भर देंगे। और इसे ओवरनाइट के लिए, मतलब पूरी रात के लिए इसे ऐसे ही भिंगो रहने देंगे, पानी हटाना नहीं है 24 घंटे के लिए, या फिर 24 घंटे या पूरी रात लगाने, अपने हेयर में लगाने से पहले एक रात पहले आपको ऐसे ही फुला देना है पानी में डाल करके, ताकि इसका जितना भी गुण हो वो पानी में भी आ जाए और इसके पीसने में भी आसानी हो। और इसका पानी हम दूसरे कंटेनर में, दूसरे बॉयल में डाल लेंगे। और मेथी और चावल का पानी जो है, इसको आप सोच रहे होंगे करना क्या है, इसे फेंकना नहीं है, इसे दोनों को अलग कर लेना है, पानी और चावल मेथी को अलग कर लेना है। और इसे एक मिक्सी जार में ये चावल और मेथी जो भीगा हुआ है उसे मिक्स कर लेंगे, पीस लेंगे ग्राइंड मशीन में डाल करके, और एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे ये पानी को हम अलग क्यों रखें, इसको फेंक भी तो सकते हैं, लेकिन इसे फेंकना नहीं, ये बहुत ही काम की चीज़ है हमारे बालों में, वो भी यूज़ आ। मेथी और चावल को जो मिक्स करेंगे, मिक्सी में डाल के पीसेंगे, तो उसमें वही पानी ऐड करना है, दूसरा कोई पानी ऐड नहीं करना है, और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते होंगे ये कितना ज़्यादा स्मूथ फाइन पेस्ट हमारा बन गया हेयर रेमेडी। तो एक बॉयल में, एक कटोरी में इसे निकाल लेना है, अच्छी तरह से पूरा निकाल लेना है, या फिर आप चाहें तो अपने हेयर के अकॉर्डिंग इसको निकाल सकते हैं और फ्रिज में इसे रख देंगे और फिर बीच बीच में इसे यूज़ करेंगे अपने हेयर पे। तो इसको ऐसे यूज़ नहीं करना है, इसमें हम कुछ और ऐड करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल, एक या दो चम्मच के अकॉर्डिंग इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों तेल से आपके हेयर जो है ड्राई नहीं होते हैं, आपके हेयर फ्रिजी नहीं होते हैं। तो इसको ऐसे, इस रेमेडी को ऐसे नहीं लगाना है, इसमें सरसों तेल हो या कस्टर्ड ऑयल हो या नारियल तेल, कुछ भी इसमें ऐड कर देना है। एक या दो चम्मच के अकॉर्डिंग मैं सरसों का तेल ऐड की हूँ। आप सभी को पता है कि ऐसे भी आप सरसों तेल यूज़ कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ तो यूज़ किया नहीं है, के इन्ग्रीडियंट ही सिर्फ इसमें यूज की हूँ, आप सभी ने देखा। और मैं ज़्यादातर अपने हेयर पे होम रेमेडी ही अप्लाई करना पसंद करती हूँ। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, सरसों तेल और इस पेस्ट को अच्छे से पूरा मिक्स कर देना है। तो आप देख सकते होंगे ये पूरी तरह से हमारा हेयर पैक जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। और फिर इस पैक को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, तुरंत से अपने हेयर पे अप्लाई नहीं करेंगे, इसे 10 मिनट के बाद ही अपने हेयर पे अप्लाई करेंगे। तो जब तक ये 10 मिनट छोड़ रहे हैं, तब तक के लिए आप जो वो मेथी और चावल का पानी निकाले हुए थे, उस पानी में और भी पानी ऐड कर देंगे, पूरा उसे फेंकना नहीं है, इससे हम आगे काम करने वाले हैं। तो चलिए, अब हमारा 10 मिनट हो चुका है उस पैक को ऐसे ही छोड़ने के बाद, फिर अपने हेयर पे अप्लाई करेंगे। तो अपने हेयर पे अप्लाई करने के लिए ऐसे ही अपने हेयर पे अप्लाई नहीं करना है, पहले आपको अपना हेयर भिंगा लेना है, पानी डाल करके अपना हेयर भिंगा लेना है। मैं भी यहाँ पे सिर्फ पानी से अपना पूरा हेयर जो है भिंगा ली हूँ, और अब इसे धीरे धीरे पूरे हेयर में अप्लाई करेंगे।
तो आगे भी इसका फ़ायदा, चावल का, मेथी का फ़ायदा भी बताने वाले हैं। तो एक एक लेयर लेकर के भी आप कर सकते हैं, या पहले तो हम पूरा अपने हेयर में अप्लाई कर रहे हैं। बालों की कई प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी का यूज़ किया जाता है। ये सदियों से चलते आ रहा है, मेथी और चावल जो है हेयर के लिए कितना ज़्यादा मतलब वरदान है। इससे आपके हेयर फॉल नहीं होंगे, हेयर डैंड्रफ नहीं होंगे, आपके बाल जो झड़ रहे हैं झड़ना ख़त्म हो जाएगा। मेथी के बीज में आयरन, जिंक, प्रोटीन, हेल्दी फैट पाए जाते हैं जो भरपूर मात्रा में हमारे बाल, हमारे स्कैल्प को पोषण देते हैं। हमारे स्कैल्प अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हमारे बाल ऑटोमेटिकली झड़ना कम हो जाएगा और हमारे बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। चावल और मेथी जो है हमारे बालों के लिए प्राकृतिक मॉइस्चराइजर काफ़ी काम करता है। तो इस तरह से अपने पूरे हेयर में अप्लाई करने के साथ साथ अंदर तक मसाज करना है अपने फिंगर से। यह कॉम्बिनेशन जो है चावल और मेथी का कॉम्बिनेशन हमारे फ्रिजी हेयर के लिए भी है। दो मुहे बालों से छुटकारा दिलाएगा। आपके बाल मतलब अगर जितने भी डैमेज हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो उससे भी जड़ से ख़त्म करेगा। दो मुहे बाल भी ख़त्म हो जाएंगे और ये नेचुरल हमारे बालों में साइन देगा। तो इसे लेयर वाइज लेयर अपने पूरे हेयर में अप्लाई करना है। स्कैल्प में अप्लाई करने के साथ साथ पूरे हेयर लेंथ में भी अप्लाई कर लेना है। अगर आपके बाल जो है बढ़ नहीं रहे हैं, आपका हेयर ग्रोथ रुक गया है, तो ये हेयर ग्रोथ लाने में भी हेल्प करता है। और ये रेमेडी जो है नेचुरल है। आप होममेड रेमेडी बना करके अपने हेयर में अप्लाई करते तो वो कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा, और तो और ये फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। तो इस तरह से पूरे हेयर में अप्लाई करने के साथ साथ आपको पूरे हेयर में मसाज भी करनी है ताकि ये अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। और वैसे भी विंटर के सीजन में स्कैल्प में बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ हो जाते हैं और हमारे बाल बहुत ही रूखा रूखा रहता है। तो इसे अपने पूरे हेयर में इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद 1 घंटे के लिए अपने बालों में ऐसे ही लगा के छोड़ देंगे। लगाने के बाद और भी जो पैक बचता है उसे अपने पूरे हेयर में और लगा लेनी है। इस हेयर पैक को अपने हेयर पे 1 घंटे लगाने के बाद अपना हेयर पहले नॉर्मल वाटर से धोना है, उसके बाद अपना कोई भी फेवरेट शैम्पू लेकर के हेयर वॉश कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैं अपना हेयर वॉश कर ली हूँ और इसे हल्का ड्राई होने देंगे, पूरी तरह से इसे ड्राई नहीं होने देंगे। और फिर करना ये है जो मेथी और चावल का जो पानी था उससे अपना हेयर वॉश करना। ये एक कंडीशनर के रूप में भी काम करता है। और हाँ, शैम्पू को यूज़ करने के बाद अपने हेयर पे कंडीशनर यूज़ ना करें, कंडीशनर के जगह पे आप इसे ही अप्लाई करें। तो इसे यूज़ कैसे करना है आप देख सकते हैं। इसे कुछ नहीं, तो नॉर्मली जैसे पानी से बाल धोते हैं वैसे ही इस पानी से अपना हेयर वॉश करना है। इस पानी से हेयर वॉश करने के बाद आपको अपने हेयर में शैम्पू और कंडीशनर कुछ भी यूज़ नहीं करना है और इसे ऐसे ही लगा करके छोड़ देंगे। कोई भी टॉवल से भी नहीं पोंछना है, ज़्यादा नहीं 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद जब ये थोड़ा पानी निकल जाए उसके बाद टॉवल से अपना हेयर पोंछ लेना। आई होप आज की ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करते ही जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।